हेलो एवरीवन, ग्रेट लेक्चर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेश कुमार एक बार फिर आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका टॉपिक है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम। ये आज हम डिस्कस करेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में और बीम के बारे में। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बीम के बारे में पता होना चाहिए, जिसके ऊपर हम बेंडिंग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। तो एक छोटा सा रिव्यू दूंगा बीम का, ठीक है? अगर आपने लेक्चर 3 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसे देख लीजिए, वहीं से पता लगेगा आपको कि ट्रांसवर्स शियर लोड किसे बोलते हैं, ठीक है? एक स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर लोड इज कॉल्ड बीम। बीम एक बहुत कॉमन सा वर्ड है, जब घर की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे बीम डालना है या ये बीम है। हमने बहुत यूजुअल सुना होगा, सभी ने सुना होगा कि बीम क्या होता है। बट आपसे जब इंट्रोड्यूस अगर पूछा जाता है तब भी आप यही जवाब देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल शेप की कोई स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, घरों में डालते हैं। नहीं, वो एक सही जवाब नहीं है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आप ट्रांसवर्स शियर लोड को जानते हो, कि एक स्ट्रक्चरल मेंबर इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर लोड। घर में भी जो बीम होता है, अगर हम छत पे खड़े होते हैं तो हम बीम के ऊपर ट्रांसवर्स शियर लोड ही अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है? अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो बीम को तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लोंगिट्यूडनल एक्सिस होगी उसकी, कुछ कुछ स्पैन होगा, कुछ टाइप्स ऑफ सपोर्ट होंगी और कुछ क्या होगा, कुछ लोड एक्ट हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे इसका कुछ लोंगिट्यूडनल एक्सिस है, एक पी लोड एक्ट कर रहा है, स्पैन क्या है, दो सपोर्ट के पीछे गैप को स्पैन बोलते हैं। सपोर्ट भी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है, एक रोलर सपोर्ट है, बहुत रोलर हो सकती थी, बहुत हिंज भी हो सकती थी, ठीक है? अब क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम कैसी होती है? जैसे बीम है, बोथ साइड हिंज होनी चाहिए, बोथ रोलर भी हो सकती है, वन हिंज एंड वन रोलर भी हो सकती है। ये सबसे बेस्ट कनेक्शन है। बट एक बात का याद रखना, जब हम किसी बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम बोल रहे हैं, जो वो सपोर्ट्स हैं वो एट द एंड होनी चाहिए, एंड कॉर्नर्स पे होनी चाहिए। अगर एंड कॉर्नर के पे नहीं है, सेंटर में कहीं है, लाइक दिस, जैसे कॉन्टिन्यूस बीम में भी है और ओवरहैंग बीम में भी दिखा रहा हूँ, अगर वो सपोर्ट एंड पे नहीं है, बीच में है, तो क्या हो जाएगी, ओवरहैंग बीम हो जाएगी। अगर सेंटर में है और एंड पे भी है तो उसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूस बीम। कॉन्टिन्यूस बीम वो बीम होती है जिसके अंदर एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा सपोर्ट होती हैं। ओवरहैंग बीम उससे बोलेंगे जिसके एंड पे सपोर्ट नहीं होगी, कुछ ओपन एरिया होगा, ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा। कैंटिलीवर बीम कैसी होती है? एक साइड से फिक्स और एक साइड से फ्री होगी, मतलब कि ओवरहैंग होगी, ठीक है? ये कैंटिलीवर बीम है और ये कैसी है, फिक्स, बोथ साइड फिक्स। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी कन्फ्यूजन था जब मैं बीटेक में था, कि ये फिक्स सपोर्ट है और ये जो हिंज है ये दोनों एक जैसी तो हैं, ठीक है? इनमें बहुत सा डिफरेंस होता है, बहुत से रिएक्शंस का डिफरेंस होता है, इसमें कोई रिएक्शन आती है, उसके अंदर कौन सी रिएक्शन आती है, ओके? हम डिस्कस करेंगे जो हम बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम डिस्कस करेंगे। अभी आपको मैंने बताया कि कौन सी फिक्स है, कौन सी कैंटिलीवर है, कौन सी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है? आगे चलता हूँ बेंडिंग पे। बेंडिंग के लिए एक मैंने एक लाइव एग्जाम्पल ली है। ये बंदा अपने फ़ोन को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहा है, देख रहा है कि कितना बेंड हो रहा है। इसके अंदर वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर शेयर लोड लगा रहा है, और लोड किसकी हेल्प से लग रहा है, बेंडिंग की हेल्प से। बेंडिंग की हेल्प से ट्रांसफर शेयर लोड लग रहा है। जैसे वो इस साइड से कैसा लोड लग रहा होगा, ऐसा मोमेंट क्या है, मैं कहता हूँ लोड एम लग रहा है, तो इस साइड से भी ऐसा लोड लग रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे भी कैसी है, मोमेंट क्या है, एम है, ठीक है? अब जब भी ऐसे लोड लगे और दोनों साइड क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, यहाँ पे एम है जैसे यहाँ पे भी एम है, पर डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। यहाँ पे कैसी लगा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे कैसी, क्लॉकवाइज। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम बेंडिंग कपल, ठीक है? अगर सिंपली बात करूँ, कैंटिलीवर बीम पे मैंने नीचे से सपोर्ट लगा रखी है, ट्रांसवर शियर लोड लगा रखा है, तो कैसी होगी, बेंड हो गई है। यहाँ पे मैंने लगाया ट्रांसवर शियर लोड इस बीम के ऊपर, तो भी कैसी होगी, बेंड होगी। चाहे मैं लोड नीचे से लगा रहा हूँ चाहे ऊपर से लगा रहा हूँ, वो बेंड हो रही है, ठीक है? नो मैटर कहाँ से लोड लग रहा है, बेंडिंग आ रही है ड्यू टू ट्रांसफर शियर लोड इन बीम, तो उसको बोलेंगे बेंडिंग, ठीक है? नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बेंडिंग मोमेंट की, ठीक है? जैसे कि मैं दिखा रखा है यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है, उसके राइट हैंड सेक्शन पे एफ फोर्स लग रही है, ठीक है? उस फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रही होगी। अब बेंडिंग मोमेंट कैसे प्रोड्यूस होती है वो देखना, ठीक है? क्या डिफरेंस है ट्रांसफर शियर लोड में और बेंडिंग मोमेंट में। जब ट्रांसफर शियर लोड लग रहा है, यहाँ पे लोड लग रहा है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जाने की, जहाँ पे एक्स एक्स सेक्शन कट किया हुआ है, यहाँ तक एफ इंटू एक्स से एक बेंडिंग मोमेंट लगेगी। अगर मैं बात करूँ एल तक की, तो एफ इंटू एल,
अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहो तो ऐसा बनेगा कुछ। यहाँ पे तो जीरो होगा, बट यहाँ पे कैसे लगेगी, जितनी फोर्स इंटू में जितनी डायरेक्शन है। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ये एक डायरेक्ट बात याद रखने वाली है। ठीक है, मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे आया, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगी एफ, और यहाँ से ये यहाँ पे क्या आएगी, जीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या कितनी लगेगी, फोर्स एफ इंटू जितनी लेंथ है एफ एल, और यहाँ पे क्या आएगी, जीरो। ठीक है, अब ये नेगेटिव में क्यों बना है, ऐसे ऊपर क्यों नहीं बना, ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि किसको है, कौन सा साइन हमने पॉजिटिव लेना है और कौन सा नेगेटिव लेना है। फिलहाल ये कैसे बनी हुई है, नेगेटिव के अंदर है। ठीक है, डाउनवर्ड बना हुआ है। ठीक है, अब ये ऐसा है, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे मतलब इस कॉर्नर एंड पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। अगर हम बनाते हैं, अगर हम कोई घर कभी कोई भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स आ रहा होगा, क्योंकि एफ इंटू एल पे फोर्स लगेगी। ठीक है, पर हम क्या चाहते हैं, ये जो बीम है वर्जित रह जाए, जितना मर्जी हम फोर्स पे लगाते रहे ये कैसी रहे, ऐसे स्ट्रेट रहे। तो इसकी मतलब इक्वल एंड अपोजिट कुछ रिएक्शन देगी, तभी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, तो मैं देखता हूँ जितना फोर्स एफ यहाँ पे लगा है उतनी ही रिएक्शन सपोर्ट पे आएगी एफ। ये तो ने शियर फोर्स बैलेंस कर दिया, एफ से एफ आ गया, बट जो बेंडिंग मोमेंट आ रही है एफ इंटू एल से, वो कैसी लगेगी, वो कैसी लगा रहा होगा, ऐसे बेंडिंग मोमेंट लगा रहा है इसके ऊपर, जो यहाँ पे तो जीरो है बट यहाँ पे जाने के बाद एफ इंटू एल हो रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, जब नीचे ऐसे डाउनवर्ड जा रही है, ये पैराबोलिक शेप में है। ठीक है, कुछ पैराबोलिक शेप में जाएगी, लाइक समथिंग ऐसे, स्ट्रेट नहीं जाएगी, पैराबोलिक शेप में है। मैं क्या चाहता हूँ, ये नीचे ऐसे ना जाकर स्ट्रेट की स्ट्रेट खड़ी रहे, तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में एफ इंटू एल की फोर्स जनरेट होगी, जो इसको ऐसे डाउनवर्ड नहीं होने देगी। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंसिडर ए कैंटिलीवर बीम शोन इन द सब्जेक्टेड शोन इन फिगर सॉरी सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड एफ। एफ एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है इसके ऊपर, कैंटिलीवर बीम के ऊपर। वी सी दैट द अप्लाइड फोर्स टेंड टू डिस्प्लेस द राइट हैंड पोर्शन। राइट हैंड पोर्शन कैसा कर रहा है, डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है रिलेटिव टू लेफ्ट हैंड। इस लेफ्ट हैंड पोर्शन जो फिक्स है वॉल के साथ, द टेंडेंसी और रेजिस्टेंस इंटरनल फोर्स बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ बीम। तो कुछ क्या होगा, जैसे फोर्स एफ आ रहा है, ये मोमेंट आ रही है, क्या रेजिस्टेंस फोर्स है, रेजिस्ट कर रहे हैं इसको, इसे बेंड होने से। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बेंडिंग मोमेंट। ये बेंडिंग मोमेंट क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेंडिंग कपल पे। जैसे मैंने आपको फोन के एग्जांपल के टाइम बताया था कि बेंडिंग कपल जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है किसी भी बीम के ऊपर, जैसे कि यहाँ लग रही है, सपोज ये बीम है, इसमें यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ पे कैसी लग रही है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ कैसी लग रही है, क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं सैगिंग। क्या बोलते हैं, सैगिंग। अब पता कैसे लगेगा, इफ द बेंडिंग मोमेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड पोर्शन ऑफ द एक्सेस इज क्लॉकवाइज देन इज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। मतलब कि एक्सेस के लेफ्ट हैंड साइड में अगर कैसा है, क्लॉकवाइज है, और राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब इस टाइप की जो फोर्स बन रही होगी उसको अपवर्ड ऐसे मूव कर रही है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट या सैगिंग। ए बेंडिंग मोमेंट इज कॉज कनेक्टिविटी अपवर्ड विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड कॉल्ड एज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ये सैगिंग है। अगर हम होगिंग की बात करें तो जस्ट का अपोजिट, यहाँ पे कैसा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड सेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज और राइट हैंड सेक्शन पे क्लॉकवाइज इस टाइप की शेप आएगी, इसको बोलेंगे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इस दोनों पिक्चर को ध्यान से देख लो, इसको सैगिंग और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, इसको होगिंग और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्योर बेंडिंग कैसे होगी। किसी भी बीम पे, सपोज ए बीम है, इसके ऊपर मैंने दोनों साइड क्या लगाई है, मोमेंट लगाई है, कोई भी शेयर लोड नहीं लगाया। देखो जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे मैं कुछ शेयर लगा रहा था, तो प्योर बेंडिंग मोमेंट नहीं है। प्योर बेंडिंग मोमेंट का मतलब है जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कॉन्स्टेंट बनेगा। कॉन्स्टेंट कैसे होता है, लाइक अगर बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा चोरस डब्बा बनेगा। ठीक है, रेक्टेंगल शेप से, लाइक दिस, मतलब ट्रेंगुलर नहीं बनेगा, उसको बोलेंगे हम
प्योर बेंडिंग, ठीक है। अब किसी बीम को प्योर बेंडिंग कब बोलेंगे, जब वो बीम इज सेट टू बी अंडर प्योर बेंडिंग व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अपोजिट कपल्स, टू अपोजिट कपल से है कर रहे हैं, मतलब उसके वजह से बेंडिंग मोमेंट लगी रहनी चाहिए, कोई भी शियर लोड, कोई भी एक्सियल लोड और कोई भी ट्विस्टिंग मोमेंट नहीं लगी हो, तो उसको क्या बोल लेंगे, प्योर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। उसका बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, एक रेक्टेंगल शेप बनेगा या कॉन्स्टेंट होगा उस जगह पे, उसको बोल लेंगे क्या, प्योर बेंडिंग, मतलब बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम बनाया या बेंडिंग मोमेंट कॉन्स्टेंट हो, जैसे यहाँ पे भी एम लग रही है, यहाँ पे भी एम लग रही है, अगर यहाँ 2m लगा दूँ, यहाँ पे एम लगा दूँ, तो वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, तो वो प्योर बेंडिंग का केस नहीं होगा, ठीक है। उसके इसमें एक्सियल लोड, शेयर लोड, ट्विस्टिंग मोमेंट सभी के सभी क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं बेंडिंग इक्वेशन, इसको आइलर बोल आइलर बर्नौली इक्वेशन भी बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस फॉर्मूला बोलते हैं और बेंडिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर, ये आपने पढ़ी होगी बीटेक के अंदर, ठीक है। सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है, वाई क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द नेचुरल एक्सिस है, एम क्या है जो मोमेंट हम लगा रहे हैं, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ई क्या है, ई है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको ये समझाने के लिए मैं एक एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है। इसकी कुछ अपनी हाइट है, हाइट डी है, ठीक है, और ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगी, बिल्कुल सेंटर में होगी, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी, ठीक है। सिग्मा तो आप समझ गए होंगे, जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी जो भी निकलेगी उसकी वैल्यू निकालनी होगी हमें, गिवन होगी को न्यूमेरिकल के अंदर। वाई क्या है, नेट नेट जो हमारी ये सॉरी न्यूट्रल एक्सिस है उससे जहाँ पर लोड लगा रहा होगा, अगर मैं लोड यहाँ पर लगाता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, सॉरी जो ये डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, वाई, ठीक है, ये वाला इस डिस्टेंस को वाई बोलेंगे, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से जहाँ पे भी लोड हम एक्ट कर रहे होंगे उस डिस्टेंस को बोलेंगे वाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर लोड लगाऊँ तो वो तो बॉडी के ऊपर है ही नहीं, मतलब वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बिल्कुल एंड एंड पे लोड लगा हो न्यूट्रल एक्सिस से, तो अगर बात करूँ वाई मैक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई मैक्स इज इक्वल टू, अगर इसकी मैं लेंथ जो हाइट है उसको डी मानता हूँ तो कितनी होगी, डी डिवाइड बाय टू, ठीक है। आई होप आपने समझ आया होगा, सिग्मा आप समझ गए, जो बेंडिंग स्ट्रेस है वाई हम निकाल लेंगे जहाँ लोड लग रहा होगा न्यूट्रल एक्सिस के बीच में जो गैप होगा उस लोड से, उसको बोलेंगे वाई। एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट, सपोज यहाँ पे मैं मोमेंट लगा देता हूँ, ठीक है, और अगर पहले बता चुका हूँ जो मोमेंट लगती है वो किसी ना किसी डिस्टेंस पे लगती है, अगर मैं बात करूँ पर कहूँगी मोमेंट पी लग रही है तो पी नहीं बोलेंगे, ये किस डिस्टेंस पे लग रही है, इस हाइट पे लग रही है, तो पी इंटू डी, ठीक है, पी इंटू ये डी है, पी इंटू डी क्या है, बेंडिंग मोमेंट है। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे कि आपको अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज़ नहीं पता तो याद कर लीजिए, रेक्टेंगल के लिए कर लीजिए, सर्कल के लिए, ट्रायंगल के लिए, ठीक है, इन सभी के लिए आप याद कर लीजिए। जो बात करता हूँ, बात करूँ अगर मैं रेक्टेंगल पोर्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो क्या होती है, बी डी क्यूब डिवाइड बाय 12, ये वैल्यू होती है किसकी, रेक्टेंगल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर कोई मटेरियल गिवन होगा उसकी ई की वैल्यू गिवन होगी, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे देखते हैं, अगर मैं आई बाय वाई, यहाँ पे आई है और ये वाई है, इसकी बात करूँ तो इसको क्या बोलते हैं, जेड, और जेड क्या है, सक्शन मॉडुलस, ठीक है, जेड को सक्शन मॉडुलस बोलते हैं। अगर कोई कई बार क्वेश्चन आ जाता है गेट का, दो नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ रेक्टेंगल का सक्शन मॉडुलस क्या है, आई आपको पता होगा रेक्टेंगल क्या है, बी डी क्यूब बाई 12 है, और वाई की वैल्यू क्या लेंगे, हमेशा मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम क्या हो सकती है, अगर डी बाई टू हो सकती है, बिल्कुल न्यूट्रल एक्सिस से हमें क्या लेना है, उनके बीच का गैप लेना है। तो अगर केस वन की बात करूँ, मैं ए और बी को इक्वेट करता हूँ, ये ए इक्वेशन को इस बी इक्वेशन को, तो सिग्मा बाई वाई इक्वल टू एम बाई आई है, वाई को मैं ऊपर ले जाऊंगा एम वाई हो जाएगा, सिग्मा बी इंटू एम वाई बाई आई, एम आई बाई वाई क्या बोला मैंने, जेड। तो थोड़े से मैंने इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखे हैं जेड के लिए, अगर आप याद रख लें तो ठीक रहेगा। अगर मैं रेक्टेंगल के लिए बात करूँ तो रेक्टेंगल के लिए आई की वैल्यू क्या मैंने बताई थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, आपको बी डी क्यूब बाई 12, इसको अब याद रख लेना, बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12, और
वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे मैंने एच लिया हुआ है, डी की जगह एच लिया हुआ है, और वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, डी डिवाइड बाय 2। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, अब यहाँ से समझ सकते हैं डी से डी कैंसिल हो जाएगा और बी डी स्क्वेयर डिवाइड बाय क्या रह जाएगा, 6, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, अगर अगले आगे मैं बात करूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, स्क्वेयर की, तो स्क्वेयर के लिए क्या होगा, ए क्यूब बाय ए, स्क्वेयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ए 4/12, याद कर लेना। और यहाँ पे ऐसे अगर बात करूँ मैं वाई की, तो ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाय 2, क्योंकि स्क्वेयर के अंदर चारों साइड बराबर होती हैं, इसके अंदर बी और एच लिया था क्योंकि बी और एच की लेंथ अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ से ए से एक कट जाएगा, एक ए क्यूब बाय 6 रह जाएगा, जैसा कि मैंने आप लिखा हुआ है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करूँ मैं किसकी कर रहा हूँ, स्क्वेयर विद डायगोनल हॉरिजेंटल, तो मैं इस शेप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर बात करूँ, वैसे तो एक अगर मैं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँ तो ए 4/12 ही होगा, पर वाई की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, ये जो वाई की वैल्यू आएगी वो आप निकाल के देख लेना, उसको डिवाइड करोगे तो ए क्यूब डिवाइड बाय 6 इंटू √2, √2 क्या है, रूट के अंदर 2 है, स्क्वेयर रूट के अंदर। ठीक है, ये वैल्यू है। अगर बात करूँ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर की, तो उसके अंदर आई की वैल्यू होती है पाई डी 4/64, ठीक है 64, और उसमें मल्टीप्लाई किसको करेंगे, डी डिवाइड बाय 2 को, तो कैंसिल होकर पाई डी क्यूब बाय 32 रह जाएगा। अगर बात करूँ ट्रेंगल विद द बेस बी एंड हाइट एच, ठीक है ये ट्रेंगल है, ठीक है इसकी अगर बात करूँ तो इसके लिए अगर जेड की बात करूँ तो क्या आएगी, बी एच स्क्वेयर बाय 24 आएगी वैल्यू, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इसकी न्यूट्रल एक्सिस से इसको लेने की, वैसे तो अगर बात करूँ इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी बात करूँ नेचुरल एक्सिस से देखते हैं आई की वैल्यू हमेशा, तो उसकी वैल्यू होती है बी एच क्यूब इसकी वैल्यू होती है बी एच क्यूब डिवाइड बाय 36, 36, और यहाँ से हम पता होगा नीचे वाली हाइट को कह लेते हैं एच बाई थ्री और ऊपर वाली को 2h/3, तो 2h/3 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ ऊपर क्या आ रहा है 3 और नीचे क्या आ रहा है 2h, एक एच से एक एच कैंसिल होगा, 3 से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 से अगर मैं इसको यहाँ पे पहले 3 से इसको मैं कट कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 12 इंटू 2 24, बी एच स्क्वेयर बाय 24 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रख लेना, वाई की वैल्यू को कंपेयर करना, तो सारे सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। फिर वाई के दो नंबर पूछ लेते हैं गेट के अंदर कि आपको ट्रेंगल दे देंगे, रेक्टेंगल दे देंगे, सर्कल दे देंगे, या फिर क्या दे देंगे, डायगनल हॉरिजेंटल दे देंगे, स्क्वेयर, ठीक है, तो उसका सेक्शन मॉडुलस पूछ लेते हैं। तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं, इसको रिमेंबर कर लेना या जैसे भी आपको ठीक लगे। ठीक है, थैंक यू।